प्रथम तहलका न्यूज। देश में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस का नया मामला सामने आया है। बता दें कि ये नया मामला गाजियाबाद में सामने आया है। प्रोफेसर डॉक्टर बीपी त्यागी ने दावा किया है कि गाजियाबाद में येलो फंगस का ये पहला मामला सामने आया है और मरीज का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। मरीज येलो फंगस के साथ ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ग्रसित है। मरीज संजय नगर का निवासी है जो कि 45 साल का है। ईएनटी स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर बीपी त्यागी के मुताबिक मुकोर सेप्टिकस के लक्षण हैं सुस्ती, कम भूख लगना या बिल्कुल भी भूख ना लगना और वजन का कम होना। उनकी माने तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है वैसे ही गंभीर लक्षण जैसे कि मवाद का रिसाव करना, खुले घाव का धीमी गति से ठीक होना और सभी घावों का धीमी गति से भरना, कुपोषण और अंग विफलता के चलते धसी हुई आंखें। कल एक पेशेंट मेरे पास आया था संजय नगर से और उसका नाम कुंवर सिंह है। वो 45 साल का है। उसको साइनस बिल्कुल सीटी स्कैन में नॉर्मल लग रहे थे लेकिन जब मैंने एंडोस्कोपी टेस्ट किया तो उसमें मुझे मालूम पड़ा कि उसको तीन तरह का फंगस है। उसको वाइट भी है, उसको ब्लैक भी है, उसको येलो फंगस भी है। जो येलो फंगस है वो उसको बोलते हैं म्यूकर सेप्टिकस। ये रेप्टाइल्स में मिलता है जैसे छिपकली वगैरह इन सब में मिलता है। ये फर्स्ट टाइम मैंने ह्यूमन में देखा है अपने पूरे कैच। डॉक्टर त्यागी के मुताबिक पीला फंगस एक घातक बीमारी है क्योंकि ये आंतरिक रूप से शुरू होता है और इसलिए ये जरूरी है कि किसी भी लक्षण को नोटिस किया जा सकता है। ये दुर्भाग्य से कई मामलों में प्रबंधन करना बहुत मुश्किल बना देता है और इसमें केवल देरी हो सकती है। इसका इलाज मात्र इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी है। सिर्फ एक चीज है कि इसको एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन ठीक कर सकता है लेकिन ठीक होने के बाद इसका घाव भरने में समय लगता है एज कम्पेयर टू व्हाइट एंड ब्लैक फंगस। सर मरीज की क्या स्थिति है अभी? वो सेप्टिसीमिया में है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं। सफाई सारी हो गई है और उसको जो दवाई है वो हम दे रहे हैं अपनी ओर से। एम्फोटेरिसिन भी हमें आश्वासन दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, अगर आ जाएगा तो उसके लिए। वही दूसरी ओर मरीज के तीमारदार के मुताबिक पिछले दो दिनों से मरीज का कोरोना का इलाज चल रहा था और मरीज रिकवर भी कर रहा था लेकिन पिछले चार दिनों से एक तरफ सूजन आनी शुरू हुई, साथ ही आंख भी बंद हो गई और इतना ही नहीं मरीज के नाक से खून बहना, साथ ही पेशाब में भी खून का आना शुरू हो गया। आनन फानन में मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ जाँच में येलो फंगस के बारे में पता चला। ये मेरे फादर हैं। एक्चुअली इनकी ट्रीटमेंट जो है कोविड की ही चल रही थी। अराउंड टू मंथ्स हो गए थे ट्रीटमेंट चलते हुए और इवन रिकवरी भी हुई थी, रिकवरी भी अच्छी होने लगी थी लेकिन फिर सडनली अभी लास्ट 2-3 डेज से हमें मतलब ये नोटिस होने लगा कि मतलब राइट हैंड साइड का ये पूरा मतलब स्वेलिंग आ रही थी। आईज तो मतलब कभी बंद हो रही थी कभी खुल रही थी लेकिन फिर सडनली कल एकदम से ही क्लोज हो गई ये आईज। फिर मतलब ब्लीडिंग कंटिन्यूसली मतलब ब्लीडिंग कभी नोज से भी हो रही थी और कभी कभी जैसे वॉशरूम जाते थे तो थोड़ी बहुत वहाँ से भी, बट मोस्टली नोज से हो रही थी ब्लीडिंग लेकिन वो भी ब्लैक में, बिल्कुल डार्क ब्लैक। तो फिर ये मुझे थोड़ा सिम्टम्स अच्छा, फिर उसके बाद हमने अपने जो डॉक्टर्स जो पहले ट्रीट कर रहे थे उनको बताया तो उन्होंने तुरंत हमें यही कंसल्ट किया कि ब्लैक फंगस मुझे ये लग रहा है और ये ट्रीटमेंट एक प्रॉपर ईएनटी हॉस्पिटल कहीं पे वहीं हो सकता है। यहाँ डॉक्टर साहब ने क्या डायग्नोस किया और क्या क्या वो बताए थे? अभी फिलहाल तो मतलब डायग्नोस क्या, जो नॉर्मल ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट चल रहे हैं मतलब जो नॉर्मल प्रतिक्रिया है वो चली, लेकिन जब हम यहाँ लेकर आए उन्होंने सबसे पहले पापा को मतलब चेक करा कि कितना अंदर इन्फेक्टेड है, पूरा नोज़ का, गले का, ये उन्होंने चेक करा, सीटी स्कैन वगैरह जो इनकी प्रॉपर
जो टेस्ट थे वो। डॉक्टर त्यागी, घर के आसपास के बाड़ों को साफ करना, इसे यथासंभव स्वच्छ रखना और बैक्टीरिया और फंगस के विकास को रोकने में मदद करने के लिए पुराने खाद्य पदार्थों और फेकल पदार्थ को जल्द से जल्द हटाना बहुत महत्वपूर्ण है। घर की आर्द्रता भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हर समय मापा जाना चाहिए। बहुत अधिक आर्द्रता बैक्टीरिया और फंगस के विकास को बढ़ावा दे सकती है और जितना जल्दी हो सके किसी भी मेडिकल पद्धति को अपनाना जरूरी है ताकि हमारा शरीर स्वयं ही पीले कवक जैसी जटिलताओं को जन्म ना दे सके। प्रथम तहलका के लिए गाजियाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।